नमस्कार दर्शकों कार्यक्रम जनवानी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है अभिनंदन है दर्शकों जैसा कि आप जानते हैं कार्यक्रम जनवानी के माध्यम से हम जनता से जुड़े मुद्दे और जनता की आवाज़ को आपके बीच लेकर आते हैं दर्शकों छात्र जीवन जी हाँ छात्र जीवन हमारे जीवन का एक अहम पड़ाव होता है और इस जीवन में अगर हम रैगिंग जैसी समस्या का सामना करें तो कहीं ना कहीं हमारे साथ शारीरिक व मानसिक कुठाराघात भी हो सकता है तो दर्शकों आज हम आपको बताने वाले हैं रैगिंग क्या एक समस्या है और कैसे हम इसका समाधान प्राप्त कर सकते हैं और इस विषय पर और जानकारी देने के लिए वी फील सो लक्की कि आज हमारे साथ मौजूद है जोगिंदर सिंह सकलानी जी जो कि हैं एसोसिएट प्रोफेसर हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी यानी हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय से सर आपका इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है धन्यवाद सर जब हम रैगिंग का जिक्र करते हैं और जैसा कि आप भी आप देख भी रहे हैं और हमारे दर्शक भी जानते हैं कि नया सेशन स्टार्ट हो गया कॉलेज का यूनिवर्सिटी का और जब हम लोग सर कॉलेज में हुआ करते थे या यूनिवर्सिटी में हुआ करते थे तो रैगिंग का जब हम शब्द सुनते थे तो कहीं ना कहीं हमारे जहन में बहुत सारी शंकाएँ होती थी थोड़ा थोड़ा डर होता था आज भी जब हम रैगिंग की को याद करें तो कहीं ना कहीं वो डर अभी भी हमारे मन में मौजूद है तो सर सबसे पहले तो आप अगर जरा हमारे दर्शकों को ये बताइए कि ये रैगिंग है क्या और ये कैसा कंसेप्ट है क्योंकि अगर हम अपने समाज की बात करें हमारे कल्चर की बात करें तो हमारे कल्चर में रैगिंग और इस प्रकार की चीज़ें हुआ नहीं करती थी कहीं ना कहीं जैसी मॉडर्न एजुकेशन हमारे बीच में आई तो ये सारी चीज़ें भी सामने आ गई तो प्लीज़ रैगिंग है क्या और क्या इसका ओरिजन है सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करूंगा दूरदर्शन का कि इस बड़े महत्वपूर्ण विषय के ऊपर आपने मुझे परिचर्चा के लिए बुलाया है और क्योंकि एक इम्पॉर्टेंट इसलिए भी है कि नया सत्र हमारा शुरू हो चुका है और जो कॉलेज है वहाँ पे एडमिशन और क्लासेस शुरू हो चुकी हैं तो जैसा कि आपने कहा कि जब हम भी पढ़ते थे तो रैगिंग को लेकर कई प्रकार की हमारे मन में प्रश्न शंकाएँ आशंकाएँ होती थी और वो एक जिस वातावरण से बच्चा आता है वो प्लस टू पास करके आता है जब वो कॉलेज में आता है तो उसके सामने अनेक प्रकार की चुनौतियाँ होती है नया माहौल होता है और वो जो एक स्कूल का जो वातावरण होता है उससे बाहर आता है लगभग जी तो उस वातावरण में जो रैगिंग है एक बहुत बड़ा इशू रहता है फॉर्चुनेटली हम जिस राज्य में रहते हैं यहां पे इतने बड़े इंसिडेंट तो नहीं हुए हैं आज तक लेकिन ये भी ये भी भी एक शांत प्रदेश होने के बावजूद भी, आ, रैगिंग से कहीं अछूता नहीं है जैसे आपने कहा कि इसके ओरिजिन की हम बात करें हम गुरुकुल परंपरा में हमारा जो पुरातन हमारी सभ्यता थी संस्कृति थी कल्चर था वहां पर गुरुकुल परंपरा थी और वहां पर इस तरह का कोई रैगिंग को लेकर या रैगिंग टाइप कोई शब्द होता नहीं था लेकिन आज की डेट में भी द दस ऑफ दिस मॉडर्नाइजेशन कंसेप्ट या एजुकेशन में इस तरह से मॉडर्नाइजेशन का आरंभ हुआ उसके बाद हमारे यहां हिंदुस्तान भी से कहीं अछूता नहीं रहा बेसिकली दिस इज वेस्टर्न पे रैगिंग का मतलब होता है किसी को करना, किसी को को करना करना इस तरह से फोर्स आपको कि जो वो नहीं चाहता है जैसे मैंने कहा कि नया सत्र शुरू हो चुका है तो मतलब एक चीज जो स्पष्ट हमें करने की यहाँ पे आवश्यकता है वो क्या है या जिस चीज को हमें समझने की आवश्यकता है वो क्या है बच्चों को भी कि जो सीनियर है वो जूनियर की रैगिंग करेगा इसको आप फॉर्मल इंट्रोडक्शन कह सकते हैं आ, अभी आ, आप देखेंगे कि बहुत से संस्थानों में परिचय सभा होती है जिसको इंडक्शन मीटिंग्स कहते हैं तो उसको या तो संस्थान का जो हेड है वो इनिशिएट करता है आम सभा जिसको कहते हैं उसमें कॉलेज में क्या होता है कैसे होना चाहिए रैगिंग से कैसे बचना है आपकी क्लासेस कैसे लगेंगी आपका मॉडलिटीज़ क्या रहेंगी पढ़ाई कैसे होगी क्लासेस कैसे लगेंगी आपको कैसे आना है जाना है इन सारी चीज़ों के ऊपर जो संस्थान है उनके माध्यम से बहुत सी चीज़ें होती हैं सेकेंडली जो सीनियर्स हैं लोग वो जूनियर्स की वेलकम पार्टी फ्रेशर पार्टी हुँ, जिसको हुँ. कहते हैं वो भी होती है लेकिन उसके बावजूद भी रैगिंग एक आप कह सकते हैं कि जो हमारे संस्थान है उसकी आज के परिदृश्य में यदि वर्तमान

मेडिकल इंस्टीट्यूशन है उस पर टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस में और जो यू हैं बड़े बड़े संस्थान हैं उनमें इनका स्वरूप थोड़ा ज़्यादा मैं जो महसूस करता हूँ और जो देखता हूँ जो और जो आज दिन जिस तरह से खबरें आ रही है उसके हिसाब से आप देख सकते हैं कि एक बड़ी सर, सर, अगर हिमाचल की बात करें और हिमाचल काफ़ी शांत प्रदेश है और जब मैं कॉलेज में पढ़ रहा था तो हम अक्सर ये कहा जाता था कि रैगिंग नहीं है कहीं कही ना कहीं से एक इंट्रोडक्शन है और कहीं कही ना कहीं एक एक बॉन्ड बनाने की बात है कि आप अपने सीनियर को जाने आप अपने सीनियर की रिस्पेक्ट करें और धीरे धीरे अब हम ये देख रहे हैं कि कहीं कही ना कहीं रिस्पेक्ट के बदले ये कहीं कही ना कहीं किसी इंसान को तंग करने वाली चीज़ भी सामने आ गई अगर हम हिमाचल को ऑल ओवर इंडिया के हिसाब से कंपेयर करें तो रैगिंग कितनी बड़ी समस्या है बाकी देश में और हिमाचल कितना इस हद तक अछूता है या यहाँ पर भी ये इतनी गंभीर समस्या है बिल्कुल सही प्रश्न आपने बिल्कुल एक ऐसा किया जो बड़ा ज्वलंत जैसा है यदि हम राष्ट्रीय परिदृश्य में देखें तो रैगिंग एक कॉमन है और यदि आप हिमाचल रेस्ट ऑफ हिमाचल और रेस्ट ऑफ द इंडिया को देखें तो आप देखेंगे रेस्ट ऑफ द इंडिया में खासकर साउथ में कितने सारे मेडिकल इंस्टीट्यूशन है टेक्निकल इंस्टीट्यूशन है ये जो रैगिंग को लेकर सबसे बड़ी समस्या आई थी वो तो तमिलनाडु स्टेट से आई केरला है आपके साउथ की स्टेट्स है वहां पर क्योंकि प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में और जो मेडिकल इंस्टीट्यूशन है वहां पर रैगिंग का लेवल एक मैंडेटरी आप इसको समझ सकते हैं कि वहां पर होता था जब हम भी पढ़ते थे तो हमारे ऊपर भी जो हमारे सीनियर्स थे जैसे आपने कहा कि बॉन्ड ऑफ लव की बात है लेकिन वास्तव में वो बॉन्ड ऑफ लव नहीं होता है वो एक सेडिस्ट नेचर होता है आदमी का Yeah. Uh -huh. वो थोड़ा उदासीन रहते हैं इसलिए वो अपनी धोस जमाने के लिए राहुल टाइप पर्सनालिटी को शो करने के लिए अपनी जिसको आप कह सकते हैं कि दादागिरी टाइप शो करने के लिए तो वो किसी को भी बुलाएंगे उसकी रैगिंग करेंगे अब जो बॉन्ड की बात आई उसको तो मैं आज के कंटेक्स में समझ सकता हूं कि आज आप बॉन्ड की बात कर रहे हैं क्योंकि जब हम पढ़ते थे या जब आप भी पढ़ते होंगे तो ऐसा नहीं था कि कोई परिचय सभा होती थी कोई इंडक्शन मीटिंग होती थी या जो प्रिंसिपल है वो एड्रेस करेगा या सीनियर वेलकम पार्टी होती थी हमारे टाइम में तो सीधा कहा जाता था कि चलिए आप भैया अपनी ये इस की रैगिंग दीजिए उस प्रकार की रैगिंग दीजिए कोई नाचने को कहता था कोई गाने को कहता था और उसका और भी विकट रूप है जो मैं यहाँ चर्चा में नहीं लाना चाहता हूं जी लेकिन जी आज की डेट में हिमाचल की मैं बात करूं। तो हिमाचल बाकी राज्यों के कंटेक्स में बहुत ज्यादा शांत मतलब मैं कह सकता हूं कि शांत है कुछ इंसिडेंट यहाँ पे जरूर हुए लेकिन फिर भी अछूता नहीं है यहाँ पे खासकर जो हमारी बेटियां बहुत ज्यादा जाती हैं स्कूलों से कॉलेजेस में आएंगी क्योंकि रेसो उनका बहुत ज्यादा है तो उनके उनके साथ जो बर्ताव होता है वो भी एक चिंतनीय विषय है खासकर और मैं जेंडर पे तो ज़्यादा नहीं जाऊंगा लेकिन फिर भी मैं कह सकता हूं कि जो एक हमारी मानसिकता है जो एक हमारी प्रवृत्ति है वो कहीं ना कहीं जो जेंडर सेंसिटाइजेशन का एक कंसेप्ट आ रहा है सेक्सुअल हरासमेंट की एक बात आ रही है फिजिकल टॉर्चर की एक बात आ रही है जो इसके काइंड की हम बात करते हैं जब तो ये भी एक बहुत बड़ा कहीं ना कहीं पर एक प्रश्न है कि इसको किस तरह से टैकल किया जाए क्योंकि नया बच्चा जब संस्थान में आता है तो उसकी पढ़ाई फोकस होती है लेकिन जब उसको कोई टॉर्चर करेगा बार बार उसको रैक करेगा और उसके मन मनोवैज्ञानिक से तो छूट गया या इस मोर से तो छूट गया लेकिन आगे क्या होगा नंबर तो हो so, एक दूसरा उसको ऐसी क्या आ, किस तरह से अवेयर होना चाहिए क्योंकि आज तो बहुत ज्यादा लॉज आ चुके हैं पहले तो इस तरह के लॉज नहीं थे 2009 के बाद जो एचपी गवर्नमेंट है यूजीसी है टाइम टू टाइम हर स्टेट ने उनको अडॉप्ट किया और मैंडेटरी किया बहुत सी चीजें तो लॉ आने के बाद क्योंकि हिंदुस्तान की यदि मैं बात करूं तो हमारे यहां पे कानून का भय बहुत ज्यादा है लोग लॉ को डर के हमारे उसकी अनुपालना करते हैं यदि आ, कानून का भय नहीं हो तो बहुत सी चीजें तो लोग माने ही नहीं तो ऐसा ही छात्र जीवन में भी होता है कई प्रकार की उमंगे होती है और जो सीनियर्स है उनको भी लगता है कि मेरी डोमिनेंस हो मैं उस तरह से कहीं ना कहीं ये रीजन तो नहीं रहता कि जो सीनियर होता है कहीं ना कहीं खुद भी वो इस चीज को सफर करता है जब वो फर्स्ट ईयर में आता है या फिर जब वो स्कूल से कॉलेज में जाता है या फिर कॉलेज से यूनिवर्सिटी में जाता है तो कहीं ना कहीं उसके साथ ये हुआ होता है तो वो यही सोचता है कि ये तो नॉम है अब मैं अब मैं भी क्यों पीछे रहूँ मेरे साथ भी इतना कुछ हुआ तो मैं भी कहीं ना कहीं वो जो पेन है वो इंजरी है वो नए छात्रों पर इन्फ्लिक्ट करूँ क्या ये भी आपको लगता है कि एक रीज़न रहता है देखो वैसे ये तो ह्यूमन प्रवृत्ति है उसकी मानसिकता है और वो उसको कैरी फॉरवर्ड करता है बहुत सी चीज़ों को जो उसके साथ हुआ है वो उसको दूसरे के साथ करना चाहता है लेकिन मेरा ये संदेश भी है मेरा ये आग्रह भी है सीनियर से कि जो नए बच्चे आते हैं उनका सही दिशा में मार्गदर्शन करें जी फॉर्चुनेटली जो हमारी स्टूडेंट पॉलिटिक्स है Uh, uh, जो स्टूडेंट पॉलिटिक्स है वो कहीं ना कहीं पे आप देखेंगे आज की डेट में जब आप पढ़े होंगे तो शायद मुझे नहीं लगता कि कोई आपको ऐसा गाइड करने वाला था कि आपको यहां पे एडमिशन लेनी है आपको ऐसे हॉस्टल मिलेगा आपको ये यह फैसिलिटी यहां पे मिलने वाली है आज की डेट में देर आर सो मेनी फैसिलिटीज विच हैजीन प्रोवाइडेड बाई द स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन तो रैगिंग को मैं आज की डेट में उस परस्पेक्टिव में नहीं देखता हूँ दैट इज बिकॉज ऑफ पॉलिटिकल कंपल्शन क्योंकि आपको अपनी राजनीति भी चमकानी है तो फिर जो राजनीतिक चेहरे होते हैं वो लोगों को रैग करने के बजाय उनकी मदद भी करते हैं लेकिन हाँ ऐसे भी बहुत से लोग हैं जो सेडिस्ट नेचर के होते हैं मैंने कहा जिनकी वैसी नेचर होगा वो दूसरे को टॉर्चर करने की कोशिश करेगा तो ऐसे बहुत से लोग होते हैं आपके पास इतना बड़ा कैंपस होता है इतने सारे विद्यार्थी होते हैं तो कोई ना कोई बीच में ऐसा आदमी जरूर निकलता है जो इस मनोवृत्ति के साथ आगे बढ़ता है जो दूसरे को टॉर्चर करे बिल्कुल प्रोफेसर साहब जब हम रैगिंग की बात करते हैं और आपने शुरुआत में भी बताया कि कहीं ना कहीं ये एक टेंडेंसी होती है किसी को हरास करने की कहीं ना कहीं ये इंट्रोडक्शन नहीं है जिसको कहा यह जाता था कि नहीं हम तो आपको इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं एक टेंडेंसी है दूसरे इंसान को तंग करने की दूसरे इंसान को हरास करने की मैं आपसे यह जानना चाहूंगा आप प्लीज हमारे दर्शकों को भी बताइए कि रैगिंग कितने प्रकार की हो सकती है क्या क्या इसके फॉर्म्स रहते हैं बिल्कुल देखिए रैगिंग जैसे कोई बच्चा आता है सबसे पहले तो हम जनरली आप देखेंगे कि आ, जो रैगिंग प्रोन एरियाज होते हैं वहां पे सो so कॉल्ड जो आप कह कह सकते हैं कि जो आ, आ, पहले तो हमारे टाइम में उनके लिए एग्जैक्ट टेनोलॉजी गुंडे टाइप बोलते थे हम कॉलेज के लेकिन आज की डेट में आप कह सकते हैं कि जो रैक करने वाला बंदा होता है वो किसी को भी बुला लेगा उसके ड्रेस कोड को लेकर के बात कर लेगा या फिर उसके बाद जो है उसको सेक्सुअल एब्यूज की बात करता है बर्बल आ, जो टॉर्चर है अब आपके बारे में कुछ भी कह दिया कह दिया जाएगा दैट दैट रिलेट्स टू इंडिविजुअल डिग्निटी मान लो कोई काला व्यक्ति आ रहा है उसको कह देंगे कि भाई साहब आप काले तो वो तो अच्छी बात नहीं किसी को छोटा कह देंगे किसी को मोटा कह देंगे किसी को कह कि वो कितना सुंदर जा रहा है जो फबतियां कसना सेक्सुअल जो हरासमेंट की मैंने बात की और उसके बाद आप फाउंड प्ले देखते हैं आप कि किसी को ये कहना कि किसी को प्रपोज कर लो अब आप जब किसी की रैगिंग कर रहे होते हैं तो उस रैगिंग में दो तीन चीजें हमें समझनी की आवश्यकता है कि ऐसा तो है नहीं कि आइसोलेशन में लेके जाके आप कर रहे हैं वो तो सबके सामने हो रही है और अनफॉर्चुनेटली आज की डेट में हमारा जो युवा वर्ग है वो इतना पथ भ्रमित है कि वो तो मृत्यु पे भी किसी की मृत्यु होती है तो उसके भी जो है वो वीडियो बनाता है उनको पोस्ट करता है तो वहां तो करते ही है तो ये कहीं ना कहीं पे जो बच्चा नया आता है क्योंकि आप उसकी एज देखिए वो अठारह साल के बाद कॉलेज में आएगा तो उसका बायोलॉजिकल चेंजेस होती है उसके एज में चेंजेस होती है उसके संस्थान में चेंजेस होती है स्कूल और कॉलेज की पढ़ाई में एक बहुत बड़ा गैप है स्कूल में आपके ऊपर मल्टीपल कंट्रोल रहता है कॉलेज में आपको पूछने वाला कोई नहीं होता आप क्लास में जा रहे हैं नहीं जा रहे हैं आपको कोई पूछ रहा है पहुंच भी रहे हैं हैं कि कि नहीं पहुंच रहे इवन मैं बसीज में भी बहुत ज्यादा देखता हूं कि किस तरह मोलो स्टेशन होती है टीजिंग होती है तो आप आप देखेंगे इसमें जो आपका बर्बल टॉर्चर हो जाता है सेक्सुअल आपका अब्यूज होता है जैसे मैंने कहा कि आप फाउल प्ले करते हैं या आप उसके बाद आप देखेंगे आज की डेट में एक जो नई टेंडेंसी आ गई है दैट इज ड्रग एब्यूज आप कहेंगे कि आप सिगरेट uh, पी लीजिए आप बीड़ी पी लीजिए आप चिट्टे को यूज कर लीजिए अब आप देखिए इसका कितना साइकोलॉजिकल इंपैक्ट होता है कई बार आप मजबूरन जो चीज करते हैं वो कहीं ना कहीं पे आगे चल करके आपकी आदत बन जाती है और आज आप ये जो ड्रग एब्यूज है वो कितनी बड़ी समस्या है आप आए दिन देखते हैं हिमाचल जैसे राज्य में भी आपके जो बॉर्डर एरिया है वहां पे आप देखिए कितने लोग इस तरह के इस कारोबार में और कितने कारोबार में तो लोग इन्वॉल्व भी हैं लेकिन उसके बाद भी आप देखेंगे कि कितने घरों के चिराग जो है इस कारण गुजर गए तो ये कहीं ना कहीं एक शुरुआत में इसको मानता हूं जो आपका ड्रग एब्यूज है तो ये भी एक इसका बहुत बड़ा सर, सर है सर, जब हम लोग कॉलेज में थे और आप भी इस चीज़ को एग्री करेंगे कि जो आपका कॉलेज का कैंपस रहता था या यूनिवर्सिटी का कैंपस रहता था उसके बाहर जाके लोगों को रैग करते थे जब कोई इंसान घर जा रहा है पर हॉस्टल की जब हम बात करें जो बच्चे में पढ़ते हैं हैं या पढ़ रहे हैं, वहां पे जो रैगिंग का एक लेवल होता था वो काफी एक्सट्रीम हुआ करता था तो जो हॉस्टल की रैगिंग है वो किस प्रकार से हो सकती है और अगर हम मैकेजम की बात करें कर्ब करने की कि हमें रैगिंग को रोकना है तो वो हम कैसे करेंगे देखिए जो मैं हॉस्टल कि जो मैं रैगिंग क्योंकि मैं छात्र जीवन से लेकर अध्यापक जीवन तक के बहुत सी चीजें बड़े नजदीकी से देखी हैं आ, जो मेरा कॉलेज था वहां बहुत ज्यादा रैगिंग होती थी मैं यूनिवर्सिटी में आया तो भी एक रैगिंग थी लेकिन कॉलेज और यूनिवर्सिटी की रैगिंग में फर्क था जैसे मैं कह रहा हूं कि आज की डेट में जो रैगिंग होती है और जो हमारे टाइम में होती थी उसमें दिन रात का अंतर है क्योंकि आज की डेट में मैंने कहा कि पॉलिटिक्स एक बहुत बड़ा इशू हो चुका है आपके कहीं पे सीसीटीवी टीवी कैमराज इंस्टॉल नहीं है लोग अबेयर नहीं है आज तो मैंने कहा कि 2009 हजार बाद के बाद सो मेनी रूल्स एंड रेगुलेशन विच बीन फॉर्मुलेटेड बाय रिस्पेक्ट गवर्नमेंट्स यूजीसी डायरेक्शन दे रही है स्टेट गवर्नमेंट्स रूल बना रही है आ, उसके इसके ऊपर जो फाइन है उसकी व्यवस्था की गई है सर्टन रेगुलेशंस बनाए गए हैं एंटी रेगिंग कमेटीज की फॉर्मुलेशन की बात की गई है एंटी रेगिंग सेल की बात की गई है लेकिन जो सबसे बड़ी एक इंपॉर्टेंट जो बात आपने मेरे से पूछी कि किस तरह से ये सारी चीजें होती है और हॉस्टलों में कैसे होता है खासकर मैं खुद अपने जीवन में जब मैंने यहाँ पे एम में, में एडमिशन लिया तो मैं हॉस्टल में रहा हमारे हॉस्टल में मैंने बहुत सी चीज़ें व्यक्तिगत तौर पर देखी आप सीनियर के सामने खाना खाने नहीं बैठ सकते हैं उनके सामने कॉमन रूम में नहीं जा सकते थे टीवी नहीं देख सकते थे और ये एक निरंतर चला रहता है क्योंकि शाम के टाइम में जब हॉस्टल में होते हैं तो बहुत सा जो चेक करने का मैकेनिज्म होता है वो नहीं होता है दिन को जब आप रैगिंग करते हैं देर आर सो मेनी पीपल्स आपके स्टूडेंट होंगे विद्यार्थी होंगे उसके लेवल में और शाम का जो हॉस्टल की रैगिंग है दैट इज ए वन ऑफ द ब्रस्ट जिसको आप कह सकते हैं फॉर्म ऑफ रैगिंग है वहां आप किसी भी हद तक जा सकते हैं और खासकर जैसे मैंने कहा कि ये जो आपके प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है जिनके हॉस्टल्स हैं वहां पे रैगिंग एक कॉमन फीचर होती है जो सीनियर होते हैं उनकी तरफ से कॉमन फीचर होती है वो रैगिंग आपके रूम से लेकर ले के आपके डाइनिंग टेबल तक और डाइनिंग टेबल से लेकर आपके कॉमन रूम तक देखी जा सकती है और उसमें फिजिकल अब्यूज आ, बर्बल टॉर्चर मेंटल हरासमेंट फिजिकली हरास करना किसी को या बीटन करना इस टाइप की आ, 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 मतलब उसको फॉर्म में हम उसको देख सकते हैं तो सर जिस बच्चे के साथ इस प्रकार की रैगिंग होती है मैं ये जानना चाहूंगा क्या उसके एक क्योंकि जब हम आपने शुरुआत में भी जिक्र किया कि एक बच्चा अठारह साल का है वो वो स्कूल से कॉलेज जा रहा है एक, एक नई इन्वायरमेंट में जा रहा है अगर डे टू डे उसको इस चीज़ का सामना करना पड़े कई बार हम ये देखते हैं कि एक फॉर्मल से इंट्रोडक्शन होती है कई बार आपको गाना गाने को कहते हैं और रैगिंग वहीं पर जाकर स्टॉप हो जाती है पर कई बार हम ये देखते हैं जैसे कि आपने जिक्र भी किया कि हॉस्टल में कॉन्टीन्यूअसली अगर आपको कोई हरास कर रहा है कॉन्टीन्यूसली आपको किसी चीज़ के लिए कोई मजबूर कर रहा है या कहीं ना कहीं आपको ज़बरदस्ती ड्रग्स के सेवन के लिए मजबूर कर रहा है तो एक बच्चा जो कि पढ़ने वहाँ पे आ रहा है उसकी मानसिक स्थिति पे क्या प्रभाव पड़ता है बिल्कुल देखिए जैसे मैंने कहा कि एज का एक साइकिल चेंज होता है आपका स्कूल का साइकिल चेंज हो गया एज का भी आपका साइकिल चेंज हो रहा है और आपके बायोलॉजिकली भी चेंजेस बहुत सी आती है तो जब आप स्कूल से किसी रिस्पेक्टिव स्कूल से कॉलेजेस में आते हैं तो हमें सबसे पहले यह समझने की आवश्यकता है कि उन स्कूलों में बच्चा कौन आ रहा है एक ग्रामीण परिवेश से बच्चा आ रहा है और एक कॉन्वेंट में पढ़ा हुआ बच्चा आ रहा है और रैगिंग करने वाले कौन है जो वहीं पे है जो काफी टाइम से वही है पास ही नहीं होते हैं हमारे टाइम में तो मैं देखता था कि कई तो कईयों का तो काम ही बहुत से लोगों का ये होता था कि उन्होंने कॉलेज ही नहीं छोड़ना है आ, तो देखिए जब मनोवैज्ञानिक आपके ऊपर प्रेशर होगा तो ये एम्बेसमेंट होती है इंडिविजुअल के लिए और इसका दूसरा बड़ा साइकोलॉजिकल इंपैक्ट ये होता है कि व्यक्ति पढ़ने की बजाय 24 घंटे इस भय के वातावरण में रहता है कि कहीं मेरे दोबारा रैगिंग तो नहीं हो जाएगी वो बस में इस बात की चिंता करता है जब वो स्कूल कॉलेज पहुंचता है तो इस बात की चिंता करता है जब वो अपनी क्लास लगाने जाता है तो इस बात की चिंता करता है तो उसके ऊपर एक मनोवैज्ञानिक प्रेशर रहता है जब फिजिकली ये रूप ले लेती है तो उससे तो बहुत ज्यादा हरास हो जाता है आप देखेंगे दो प्रकार की रैगिंग होगी एक तो आपकी मान लो आपने जनरली किसी को पूछ लिया कि आपका इंट्रोडक्शन ले लिया आप क्या है छोटा मोटा कोई चीजें जब आप पब्लिक प्लेसिस में किसी को एक इम्बे पोजिशन पे लाते हैं सिचुएशन पे लाते हैं तो उसका साइकोलॉजिकल प्रेशर जो है बच्चे के ऊपर डेफिनेटली होता है और वो उम्र छोटी है तो वो कैरी ऑन करता है वो फॉरवर्ड करता है तो जरूरी क्या है कि उसको इस चीज से किस तरह से बाहर लाया जाए जी, और सम, important समाधान important. की जब हम बात कर रहे हैं तो मैं ये जानना चाहूंगा समाधान किस प्रकार से हो सकता है समस्या के बारे में तो हमने जान लिया हमने ये भी जान लिया कि रैगिंग किस प्रकार से की जाती है और किस प्रकार से रैगिंग लोग करते हैं तो समाधान क्या है सर और कैसे हम इस चीज को आगे लेके चल सकते हैं देखो मैं समाधान पे बात भी जाऊंगा इससे पहले मैं आपको और चीज बता दूं कि 2009 में अमन काचरू वर्से अमन काचरू का एक बहुत फेमस केस हुआ आ, उस केस के बाद हिमाचल प्रदेश की सरकार ने जो हिमाचल प्रदेश एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एंटी रैगिंग लॉ जो था 2009 उसको लाया और उस लॉ के बाद बहुत से लेजिस्लेशन उस पर आए एक सर्टन कोड ऑफ कंडक्ट एस्टेब्लिश कर दिया गया एवरी इंस्टीट्यूशन इज सपोज टू बी अडॉप्ट सारे संस्थान प्राइवेट हैं रेगुलर हैं सरकारी हैं गैर सरकारी है प्राइवेट यूनिवर्सिटी है सबके लिए मैंडेटरी है कि उसके हिसाब से आप अपने संस्थान की दिशा को तय करें और यूजीसी ने भी नॉट ओनली 2009 2016 में 2018 में एंड फ्रॉम टाइम टू टाइम यूजीसी एमएचआरडी एजुकेशन मिनिस्ट्री एंड स्टेट गवर्नमेंट ये तो मैंने लॉ के हिसाब से बात कही इन इन सब ने प्रत्येक प्रकार के संस्थान के लिए मैंडेटरी कर दिया कि आपके यहां पर रोकने के एंड रैगिंग को रोकने के लिए यह प्रकार के प्रयास होना बहुत ज्यादा आवश्यक है जो मैकेनिज्म की मेरी बात की कि हाउ इट ऑपरेट जब आप कॉलेज में आते हैं तो आप देखते हैं कि सबसे पहले किसी भी बच्चे के लिए किसी भी संस्थान के द्वारा जैसे मैं एचपी यूनिवर्सिटी में हूं कोई कॉलेज में होगा संजौली कॉलेज में है कॉलेज में है या किसी स्कूल में है तो मैंडेटरी है कि इस संस्थान का जो एचओडी होगा जो भी मुखिया होगा वो या कोई भी सीनियर आदमी होगा और उसमें चार पांच और टीचर होंगे वार्डन होंगे आपके होस्टल की जो आप बात कर रहे हैं आपका डीएसडब्ल्यू होगा डीन होंगे और कुछ बच्चे होंगे और जो पीटीए के लोग होते हैं उन लोगों को इन्वॉल्व करके कमेटी बना दी जाती है जिसको एंटी रैगिंग कमेटी कहा जाता है बिसाइड दिस महिलाओं की मैंने कहा कि बच्चियों की बहुत ज्यादा बहने बेटियां बहुत पढ़ती हैं उनके लिए एंटी रैगिंग कमेटी के साथ साथ वुमेन सेल की व्यवस्था की गई है सेक्सुअल हरासमेंट कमेटीज आर देयर तो ये जो सारा मैकेनिजम ये काम करता है कि प्रत्येक प्रकार के संस्थान के लिए आवश्यक है वो प्रोस्पेक्टस पे एंटी रैगिंग कमेटी उसका पूरा हवाला दे सेक्सुअल हरासमेंट कमेटी का पूरा हवाला दे अलॉन्ग विद टेलीफोन नंबर दिस इज मैडिट्री जो 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 बच्चों के लिए मैं कहना चाहता हूं कि आप इस चीज से घबराए नहीं कि कोई आपकी रैगिंग ले रहा है आपके कॉलेज में एक बोर्ड लगा हुआ है जिसपे कहा गया कि एंटी रैगिंग कमेटी का ये हेड है उसका टेलीफोन नंबर होगा बाकी जो मेंबर है उनका टेलीफोन नंबर होगा सो यदि आपके साथ कोई ऐसा करता है कोई आपको रैक करता है एक तो होता है सिंपल बात करना तो कुछ चीजों को तो बच्चे अवॉइड करें क्योंकि आप उसमें ट्रैप में आएंगे लेकिन मान लो आपके सिर के ऊपर बात जारी है तो फिर एक मैकेनिज्म में, है हर प्रकार के संस्थान में और आईपीसी जो इंडियन पिनल कोड है उसकी डिफरेंट धाराएं हैं जिसके कारण इसको पुलिसेबल एक्ट बनाया गया जैसे मैंने कहा कि दो का जो रेगुलेशन था उसके बाद यह व्यवस्था कर दी गई कि कोई भी व्यक्ति एंटी uh, ऑफेंस होगा आप यदि लगातार इस प्रकार की एक्टिविटी में पाए जाते हैं जो भी छात्र पाया जाता है उसके खिलाफ बहुत सी कार्रवाई होती है अब स्वाभाविक तौर पर बच्चे के माइंड में ये होगा uh, कि मेरा नाम नहीं आना चाहिए या मैं क्या कर।, कर सकता हूं तो उसका नाम भी आ सकता है और वो तो अपना नाम नहीं भी बताना चाहता है तो यूनैनिमेस उसको कंप्लीट कर सकता है तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि प्रत्येक प्रकार के संस्थान में एक एंटी रैगिंग सेल है जो एक सिस्टम के साथ काम करता है जी सर एंटी रैगिंग सेल के बारे में आपने जिक्र किया आपने कहा कि कहीं ना कहीं नाम को अनोनोमस भी रखा जाता है तो शिकायत कैसे कर सकता है बच्चा और कई बार ये भी होता है सर कि अगर कोई व्यक्ति शिकायत कर भी रहा है अगर नाम अनोनोमस भी होगा उसका तो कहीं ना कहीं जो रैगिंग कर रहा है उसको तो पता है कि मैं किसकी रैगिंग कर रहा था तो कहीं ना कहीं कही उसके लिए भी एक खतरा हो जाता है तो इस चीज़ को क्योंकि बड़ा कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप होता है स्टूडेंट्स का और खासकर छोटी उम्र में लोगों को इतनी समझ भी नहीं होती तो कैसे इस चीज़ को सेंसिटिवली हैंडल किया जाता है देखो इसमें जो संस्थान का मुखिया होता है किसी कॉलेज का प्रिंसिपल है सीनियर टीचर है या आ, मैं ये भी देखता हूँ जो ऑर्गेनाइजेशन में सीनियर लोग काम करते हैं उनका एक बहुत बड़ा रोल है कि इन स्थितियों को किस तरह से वो टैकल करें हैंडल करें क्योंकि किसी का परिचय हो गया तो परिचय तक तो ठीक है लेकिन लगातार कोई चीज़ कर रहा है तो स्वाभाविक तौर पर एक अवेयर सिटीजन होने के नाते उसका दायित्व तो है कि उस चीज को वो रिपोर्ट करे तो सबसे पहले जैसे मैंने आपको कहा कि प्रत्येक प्रकार के संस्थान में एक एंटी रैगिंग कमेटी होती है उस एंटी रैगिंग कमेटी के प्रिंसिपल तो या उसके द्वारा नामित कोई भी व्यक्ति होगा उसका मुखिया होगा और उसमें पांच से सात दस तक मेंबर होते हैं उसमें आ, महिला जो हमारी शिक्षिकाएं होती हैं वो भी टीचर आ, वो भी उसकी मेंबर्स होती हैं बच्चों में से भी उसके कुछ मेंबर होते हैं पेरेंट्स में भी कुछ मेंबर होते हैं और उस एंटी रैगिंग रजिस्टर होता है लगाया हो उसको मेंटेन करना दिस इज मैंडेटरी कितनी कंप्लेट्स आई हाँ, कितनी का निवारण हुआ और यदि कोई नहीं सहमत है तो फिर ये मैंडेटरी है कि वो एफ आई लॉन्च करेगा संस्थान और ये जो इंस्टीट्यूशन है दिस इज मैंडेटरी फॉर द इंस्टीट्यूशन कि वो ऑमिट करे और अपने लेवल पे उस चीज की इफ द पर्सन हु इज डेड वो और उसके घर वाले नहीं है उससे सहमत तो वो मतलब एफआईआर आई आर लॉन्च होने का प्रोविजन और पुलिसेबल जिसको मैंने कहा कि ये ऑफेंस होगा तो पहले स्टेप में आपकी एंटी रेगिंग कमेटी होती है देन वी हैव एंटी रेगिंग सेल जो आपका सेल है उसको मॉनिटर करता है आप उसको रिपोर्ट लिखाएंगे फिर उसके बाद जो तीसरी होती है हम देखेंगे आज की डेट में प्रत्येक संस्थान एक ओथ लेता है लेता है बच्चे से कि चाहे सीनियर है चाहे जूनियर है कि मैं रैगिंग में इन्वॉल्व नहीं हूंगा और जो इन्वॉल्व हो भी गया उसको बैठ के समझाने की कोशिश होती है फिर उससे ओथ अंडरटेकिंग लेते हैं कि मैं भविष्य में इस तरह का काम नहीं करूंगा यदि यहां तक आपकी बात आ गई तब तो आपका केस सुलझ गया लेकिन नहीं आ रही है तो उसके बाद आप देखेंगे जो स्टूडेंट है उसकी ये जो सारी चीज है इसको नोटिस बोर्ड पे डिस्प्ले करना फिर कमेटी बुलाएगी नहीं मानता है तो उसको एक्सपल करना सस्पेंशन करना उसको है, वो करना और नहीं मानता है कोई तो फिर उसकी एफ करना और जो आईपीसी की विभिन्न धाराएं उसके खिलाफ उसके तहत जो भी छात्र रैगिंग में इन्वाल्व पा जाता है उसकी कार्रवाई का प्रोविजन है तो इस तरह से पूरा सिस्टम जो है कॉलेज लेवल पे स्कूल लेवल पे यूनिवर्सिटी लेवल पे ऑपरेट करता है जैसा आपने जिक्र किया कि कानून भी एट प्लेस हैं कहीं ना कहीं जो कमिटीज़ हैं वो भी हैं और कहीं ना कहीं बहुत अच्छा कार्य भी किया जा रहा है हिमाचल में अगर हम अपनी बात करें और आज की बात करें तो रैगिंग बहुत कम क्षेत्रों में हम सुनते हैं और बहुत ही वो मिनिमल सी भी होती है जिसको फॉर्मल इंट्रोडक्शन भी किया जा रहा है इसमें टीचर्स भी काफ़ी अच्छा रोल प्ले कर रहे हैं पर अगर हम अवेयरनेस की बात करें तो अवेयरनेस के लिए क्या क्या किया जाता है क्या कोई हेल्पलाइन नंबर्स भी होते हैं जिसपे बच्चे अगर उनको कुछ ऐसी ग्रीवियंसिस हैं तो वो उस पर अपना कॉल करके या जो भी उनकी समस्याएं हैं उस पर बता सकें देखिए ये बहुत अ, महत्वपूर्ण है कि आप किस तरह से अपनी चीजें लॉस करेंगे या कैरी फॉरवर्ड करेंगे और उससे भी महत्वपूर्ण चीज है कि आप आप निवारण कैसे करेंगे आप अपनी समस्या लेकर के जा रहे हैं तो समस्या का निवारण कैसा होगा बेसिकली ये तीन स्तर पे काम करता है सेंट्रल लेवल स्टेट लेवल एंड इंस्टीट्यूशन लेवल सेंट्रल लेवल पे आपका यूजीसी आ गया एमएचआरडी जो एम एज, एजुकेशन मिनिस्ट्री होगी वो आ गया सो so, उनका एक हेल्पलाइन नंबर है मैं रिपीट कर लू अठारह सौ एक सौ अस्सी पचपन बाईस ये ट्वेंटी फोर इंटू सेवन वर्ग करता है ये नेशनल लेवल पे भी यही है और स्टेट लेवल पे भी यही है दूसरा इनकी अपनी जो मेल आई डी है रेट एंटी रैगिंग डॉट इन हेल्पलाइन एट द रेट एंटी रैगिंग डॉट इन इस पे आप अपने रजिस्टर कर सकते हैं जो भी आप अपनी कंप्लेट रजिस्टर करेंगे दिस इज मैंडेटरी फॉर द इंस्टीट्यूशन जी चाहे वो पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन है चाहे वो राज्य स्तर का है चाहे वो राष्ट्रीय स्तर का है चाहे वो आपका संस्थान है उन लोगों को मैंडेटरी है कि उसको डिस्पोज ऑफ करें जैसे मैंने कहा मैं अभी परसों भी ये कॉलेज गया था तो मैंने आ, जब आपने मेरे से इस तरह की बात की कि ये करना तो मैं कॉलेज में देख रहा था कि किस तरह से ऑपरेट हो रही है तो मैंने देखा कि दे हैव बीन मेंटेन रजिस्टर आपके पास कितनी कंप्लेट्स आ रही है आपने उसमें क्या डिसीजन लिया कितनी स्टैंड बाई कर रही है कितनी आपने डिस्पोज ऑफ कर दी है और आपने जो दूसरी बात कही कि ये तो हेल्पलाइन नंबर की बात होगी ज्यादा आप क्या कर सकते हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है तो आप देखेंगे आज की डेट में दिस इज मैंडेटरी फॉर एवरी इंस्टीट्यूशन टू इंस्टॉल सीसीटीवी कैमरास। जी हिंदुस्तान की जनता सीसीटीवी कैमरा से बहुत डरती है ठीक है ना एक तो वीडियो फिल्म बना रहे हैं आप व्हाट्सएप पे डाल रहे हैं फेसबुक पे डाल रहे हैं इंस्टाग्राम पे डाल रहे हैं वो तो एक अलग विषय होगा ऐसा जरूरी नहीं है कि जो बना रहा है उसकी कोई फिल्म नहीं बना रहा होगा वो एक्ट कभी भी आ सकता है लेकिन उसके बावजूद जब आप अपने बच्चों को यह कहते हैं संस्थान में कि आप यू आर अंडर सर्विलेंस ऑफ सीसीटीवी कैमरा तो आप ये मानिए कि पचास समस्या का समाधान तो वहीं हो होगा दूसरा जो प्रिंसिपल है आज के दौर पे इंडक्शन मीटिंग करते हैं बच्चों की इंट्रोडक्टरी जिसको सेशंस कहते हैं मैंने कहा फ्रेशर्स पार्टी हो रही है तो उससे जो नया बच्चा आता है उसके मन में जो शंकाएं होती है वो समाप्त हो जाती है और कहीं ना कहीं उसका भय समाप्त होता है जो और जो एक मैं और बात आपसे कहना चाह रहा हूं इसमें जो बड़ी इंपॉर्टेंट है कि जो रैगिंग प्रोन एरियाज हैं आप उनको आ, उनको आइडेंटिफाई करें बच्चों को अवेयर करें और जो संस्थान है उन पे, आ, आप उनको अपनी बात रखने का पूरा मौका दें और उनको एड्रेस करने की कोशिश करें प्रोफेसर साहब संक्षेप में अगर आप हमारे दर्शकों को कुछ कहना चाहें खासकर उन बच्चों को जिन्होंने अभी अभी एडमिशन लिए तो किस प्रकार से वो अपने आप को सेफ रखें देखो मेरा बच्चों के लिए यही संदेश है क्योंकि बहुत से बच्चे ग्रामीण परिवेश से आते हैं उनके मन में अनेक प्रकार की शंकाएं और आशंकाएं होती हैं और जो ग्रामीण परिवेश का व्यक्ति निकला होता है वो बहुत ज्यादा मजबूत होता है जी, क्योंकि उसको बहुत सी चीजों का भय नहीं होता है लेकिन उसके मन में ये जरूर भय होता है कि मैं वहां जाऊंगा वहां क्या होगा तो मेरा ये आपको संदेश भी है बच्चों और ये आग्रह भी है क्योंकि मैं राजनीतिक शास्त्र का प्रवक्ता भी हूं मुझे ये लगता है कि आपके साथ कुछ गलत होता है तो आप उसको अप्रोप्रिएट अथॉरिटी को अप्रोच करें और उनके लिए मैंडेटरी है कि वो आपकी समस्या को सुनेंगे और उसका समाधान करेंगे सो डरने की कोई आवश्यकता नहीं आप पढ़ने के लिए आए आप पढ़ाई करें सरकारें संस्थान व्यक्ति आपके टीचर दे आर देयर टू हेल्प यू जी प्रोफेसर साहब आप हमारे इस कार्यक्रम में आज उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया थैंक यू तो दर्शकों आज के जनवानी कार्यक्रम में बस इतना ही अब मुझे दीजिए इजाजत नमस्कार